शराब माफियों को दबोचा। शराब माफिया गढ़ा कोटा के रहने वाले हैं। सागर जिले के बंडा में पुलिस ने 27 पेटी अवैध शराब पकड़ी। बंडा, बुधवार की रात्रि को बंडा पुलिस ने अवैध शराब को पकड़ा। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है बोलेरो गाड़ी से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापरी तिराहे पर चेकिंग लगाई है। एक बोलेरो गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें 27 पेटी देसी मसाला शराब मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 1,27,000 बताई जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव, सुदामा विश्वकर्मा, प्रन्यास विश्वकर्मा को अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सागर से एसएन पटेल की रिपोर्ट, केकेआर न्यूज़ भोपाल। तत्काल हम लोग छापरी तिगड्डा पहुंचे, वहां पर वाहन चेकिंग लगाई। दौरान चेकिंग के बोलेरो, जिसका नंबर MP15BA3554 था, उसको रोक कर चेक किया तो उसमें 3 व्यक्ति बैठे मिले, और उनके पास पीछे चेक किया तो 27 देसी मसाला लाल शराब की पेटियाँ रखी मिली। तो आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम अखिलेश पटेल, निवासी घटोरा कला, सुदामा विश्वकर्मा और प्रियांक विश्वकर्मा बताया है, जो कि गढ़ा कोटा के निवासी हैं। उनसे और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा। कौन कौन सी धाराओं पर लेकर कार्रवाई की? 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।